23 जून को देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं सिवनी जिले के धूमा उपनगर के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सफर को याद करते हुए कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के सबसे पहले ऐसे महामानव रहे जिन्होंने कश्मीर समस्या को लेकर सबसे पहले आंदोलन किया था कि धारा 370 खत्म की जाए, 35A खत्म की जाए। और सौभाग्य से वह दिन 71 वर्षों बाद आया स्वतंत्रता के बाद, और आज हम 370 धारा और 35A को समाप्त करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता है, आज युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। नहीं, दूरियां और पास में ये कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोहन सरवैया जी ने सभी को बुलाया था, जितने लोग मंडल अध्यक्ष भी नदारत रहे। मंडल अध्यक्ष के परिवार में गमी हो गई थी इसलिए वो नहीं आए, इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनका पुण्य स्मरण किया। खबर मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से उत्तम सैन की रिपोर्ट।